हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ियोलाइट प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज़ियोलाइट प्रोसेस है क्या बना। तो हमें ये पता है कि पानी के अंदर हार्डनेस होता है, बहुत दिनों से ये पढ़ रहे हैं कि पानी के अंदर हार्डनेस होता है। तो उस हार्डनेस की वजह से जो पानी ना तो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूजेबल हो पाता है, ना ही इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूजेबल है, ठीक है। तो इस हार्डनेस का रिमूवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें कुछ मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। तो उन्हीं में से एक मेथड है हमारा ज़ियोलाइट प्रोसेस। और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं लैम सोडा प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लें। तो अगर आपको ये पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज नोन एज सोडियम ज़ियोलाइट, ठीक है। तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम सोडियम ज़ियोलाइट कहते हैं। इट इज कैपेबल फॉर एक्सचेंजिंग रिवर्सिबल इट सोडियम आयन विथ हार्डनेस क्यूजिंग आयन। तो ये कैपेबल होता है अपने जो सोडियम आयन को जो भी हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस है पानी के अंदर उससे एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि ये क्या करता है, अपने सोडियम आयन को एक्सचेंज कर लेता है हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस ऑफ वाटर के साथ। तो अब पानी के अंदर जब वो हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस नहीं रहता है तो वो पानी क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। These are also known as permitting process, ठीक है। There are two type of zeolite, दो तरह की zeolite होती हैं। Natural zeolite, these are non-porous and process good durability, ठीक है। तो ये जो होती हैं natural zeolite जो होता है तो वो होता है non-porous, यानी कि जो पोर होते हैं वो कम है। और ये ड्यूरेबिलिटी यानी कि एक बार इनसे अगर हमने पानी को क्लीन करवा दिया, हार्डनेस खत्म करवा दिया, तो बहुत दिनों तक पानी के अंदर जो हार्डनेस की जो सब्सटेंस नहीं पनप पाते। तो नेचुरल ज़ियोलाइट के एग्जांपल आप देख सकते हैं जो भी हमारे झरने में रहते हैं या फिर जो भी गंगा नदी का पानी वो साफ क्यों रहता है, क्योंकि उसके नीचे जो ज़ियोलाइट की चट्टाने हैं, ठीक है। इसलिए उसके अंदर जो हार्डनेस की जो सब्सटेंस है वो रिमूव होते रहते हैं। और एक होता है सिंथेटिक ज़ियोलाइट, ठीक है। सिंथेटिक ज़ियोलाइट में क्या होता है, दीज आर जेल स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है जेल टाइप का होता है एंड पोरस, और इनके अंदर पोर्स भी होते हैं। हायर एक्सचेंज कैपेबिलिटी देन नेचुरल ज़ियोलाइट, तो इनकी जो एक्सचेंज कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू नेचुरल ज़ियोलाइट, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि ज़ियोलाइट किसे कहते हैं, और ज़ियोलाइट क्या करता है, अपने जो भी सोडियम आयन को हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस के साथ एक्सचेंज कर लेता है, इसलिए पानी के अंदर हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस बचते ही नहीं है, तो इसलिए पानी हो जाता है वो सॉफ्ट होता है। और ज़ियोलाइट टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल ज़ियोलाइट एंड सिंथेटिक ज़ियोलाइट। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस किस तरह से सॉफ्ट करता है। सोडियम ज़ियोलाइट इज फिक्स्ड इन अ कंटेनर, सोडियम ज़ियोलाइट को किसके अंदर फिक्स कर देते हैं, कंटेनर के अंदर फिक्स कर देते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम भी रख देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए, ठीक है। तो सोडियम ज़ियोलाइट को हमने फिक्स कर दिया है कंटेनर के अंदर। हार्ड वाटर अलाउड टू पासेस फ्रॉम द ज़ियोलाइट बेड, हार्ड वाटर को हमने पास किया किससे, ज़ियोलाइट बेड से। वाटर रिएक्ट्स विद सोडियम ज़ियोलाइट एंड हार्डनेस क्यूजिंग सॉल्ट गेट एक्सचेंज बाय सोडियम। जब वाटर यहाँ ज़ियोलाइट बेड से पास होता है तो क्या होता है कि सोडियम जो ज़ियोलाइट का सोडियम है वो एक्सचेंज होता हो जाता है हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस से। तो हमें पता है कि मेनली हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं, कैल्शियम के आयंस और मैग्नीशियम के आयंस। तो दो एग्जांपल लेके हम समझते हैं, ये हमारा ज़ियोलाइट Na2Z प्लस ये HCO3। तो अब ये सोडियम किससे रिप्लेस हो जाता है, आप देखिए सोडियम किसके साथ मिल जाता है, HCO3। तो ये जो हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस थे वो उसके साथ रिप्लेस हो गया सोडियम, सोडियम ने उसके साथ बॉन्ड बना ली। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, कैल्शियम ज़ियोलाइट बच जाता है। उसी तरह से मैग्नीशियम के लिए एग्जांपल देखें तो इसके अंदर क्या होता है, Na2Z MgCl जो आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस है, तो वो Na के साथ रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पे Na है, ठीक है, Na के साथ रिप्लेस हो जाता है। और क्या बना बचता है, अब क्या है, मैग्नीशियम ज़ियोलाइट, ठीक है। तो यहाँ से पास होने के बाद पानी के अंदर जो भी हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस है वो नहीं बचते हैं और पानी सॉफ्ट हो जाता है, तो सॉफ्ट वाटर को यहाँ पे रिमूव बाहर निकाला जाता था। अब आगे की कहानी क्या है उसका मैं समझती हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट वाटर तो हमें मिल गया, लेकिन अब क्या होता है वो समझते हैं।
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जियोलाइट रिटेन इन बेड। और इस बेड के अंदर क्या है, कैल्शियम जियोलाइट हो सकता है, मैग्नीशियम जियोलाइट इनके अंदर ही बसते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जियोलाइट गेट एग्जॉस्टेड, एट दिस हार्ड वाटर सप्लाई स्टॉप एंड रीजनरेशन डन बाय NaCl। अब यहाँ पे क्या होता है कि जियोलाइट बेड के अंदर जितने भी जियोलाइट्स होते हैं ना, वो अपने सोडियम को एक्सचेंज कर चुके होते हैं हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस से, तब इनके पास अब कुछ बचता नहीं है एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तब क्या करते हैं, तब हम हार्ड वाटर के सप्लाई को रोक देते हैं और इसको रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि अब हमें किसकी जरूरत है, Na की जरूरत है, ताकि वापस जियोलाइट बन सके, यानी कि Na2Z बन सके और वापस जो है वो Na के साथ हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस को रिमूव कर सके। तो हम किसकी जरूरत है, Na की। तो इस अब ना जब ये बेस एग्जॉस्टेड हो जाता है, यानी कि अब पानी अगर हम कितना ही पास करते ना, तो वो सॉफ्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके अंदर जो सारे सोडियम के आयंस थे वो एक्सचेंज हो चुके हैं। तो इसको रिचार्ज करते हैं किसके हेल्प से, NaCl के हेल्प से, ठीक है। तो NaCl जब हम इसमें डालते हैं तो क्या होता है, जब हम इसके अंदर NaCl डालते हैं, तो अब हमारे बेड के अंदर क्या बचा हुआ था, कैल्शियम जियोलाइट। ये कैल्शियम जियोलाइट से जियोलाइट एक्सचेंज हो जाता है और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और मैग्नीशियम जियोलाइट में जब डालते हैं तो Na2Z वापस हमको जियोलाइट मिल जाता है और मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है। दिस रिमेनिंग CaCl2 एंड MgCl2 वॉश्ड बाय सॉफ्ट वाटर फ्रॉम जियोलाइट बेड। तो कुछ जो अब जो जियोलाइट बेड के अंदर ये बचता है, ठीक है, इसको हम किससे वॉश कर लेते हैं, सॉफ्ट वाटर से वॉश कर लेते हैं। और सॉफ्ट वाटर से वॉश करने के बाद देखें, यहाँ पे वॉश करने के बाद इसको हम सिंक यानी कि रिमूव कर लेते हैं हमारे, क्योंकि हमको रिमूव करना है ये, तो जो भी हमारा CaCl2 और MgCl2 बचता है उसको हम यहाँ से ग्रेवल में इकट्ठा होता है, तो यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। बस यही था। ओनली 10 ppm residual hardness will be present in soft drained water, यानी कि पानी को सॉफ्ट करने के बाद इसके अंदर ओनली फॉर 10 ppm की हार्डनेस ही बचती है, यानी कि बहुत ही एफिशियंस मेथड है ये पानी को सॉफ्ट करने के लिए। तो एक बार वापस समझा देता हूँ, जो जियोलाइट प्रोसेस कुछ नहीं है, जियोलाइट प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जियोलाइट यूज में लेते हैं। जियोलाइट क्या करता है, अपने सोडियम आयन को पानी के अंदर जो भी हार्डनेस के जो सब्सटेंस होते हैं उसके साथ एक्सचेंज कर लेता है। तो जब वो एक्सचेंज कर लेता है, तब हम उस पानी जो सॉफ्ट मिलता है उसको हम बाहर पंप आउट कर लेते हैं। अब जो जियोलाइट बेड एग्जॉस्टेड हो जाता है, यानी कि सारे उसके अंदर जो सोडियम के आयंस थे वो अब नहीं बसते, वो एक्सचेंज हो चुके होते हैं, तो हमें जियोलाइट बेड को रिचार्ज करना पड़ता है। तो वो हम किसके हेल्प से करते हैं, NaCl के हेल्प से। क्यों, क्योंकि हमें Na की जरूरत है, तो हम NaCl के हेल्प से उसको रिचार्ज करते हैं। तो रिचार्ज करने के बाद जो भी ये जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस बचते हैं CaCl2 MgCl2, उसको हम सॉफ्ट वाटर से वॉश कर लेते हैं और उनको सिंक में हम बाहर निकाल लेते हैं। बस वापस रिचार्ज होता है, तो वापस हम रिमूविंग का सॉफ्टनिंग का मेथड वापस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जियोलाइट प्रोसेस में बस इतना ही है। अब एक और छोटा सा टर्म है, ठीक है, कभी कभी पूछ रहे एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कि कितना अमाउंट NaCl डालें, यानी कि जब जियोलाइट बेड एग्जॉस्ट हो चुका है तो कितना अमाउंट हमें NaCl का डालना है, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए फॉर्मूला बताया गया। द अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन एंड हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 50 into W into V2 upon 58.5 into V1। यहाँ पे W क्या है, अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट पर लीटर इन Mg, ठीक है, पर लीटर Mg के अंदर कितना अमाउंट NaCl का है वो। V2 मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ NaCl यूज्ड फॉर रीजनरेशन इन लीटर, और V1 टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉफ्टवेयर इन लीटर, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम कितना NaCl डालना है वो पता कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को देख के हंसिएगा मत, क्योंकि मैंने बहुत फास्टली बनाया था, तो मैंने आपको ये अलग प्रोवाइड कराया है, तो इसको ही देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो कंपैरिजन बिटवीन लाइम सोडा जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस होगा, जो कि यहाँ पे मैंने समझा रखा है, तो यहाँ पे अभी नहीं देखने दूंगा, अगले वीडियो में अपन इसके बारे में बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।